और बात साहेबगंज की कर लेते हैं, जहां मानिकचक फेरी सेवा के अंतर्गत एक एलसीटी जहाज मानिकचक फेरी घाट पश्चिम बंगाल के पास पलट गया। इस घटना में 8 बड़े वाहन, ट्रक, हाईवा समेत 6 से ज्यादा लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही राजमहल थाना प्रभारी और मानिकचक पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक राजमहल फेरी घाट से एलसीटी जहाज मानिकचक के लिए रवाना हुई थी। आपको बताया ये मानिकचक के लिए रवाना हुई थी, जिसमें 9 भारी वाहन समेत 12 बताया आपको कि 24 से ज्यादा पैसेंजर सवार थे। मानिकचक फेरी घाट पहुंचने के दौरान एलसीटी का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हो गया।